हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं मुगल साम्राज्य को। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि सल्तनत काल जब ख़त्म हुई तो कैसे कैसे छोटे छोटे राज्य और हमारे देश में बने हुए थे। बड़ा राज्य आया मुगल साम्राज्य का। इसकी स्थापना करी बाबर ने 1526 में। इब्राहिम लोदी को हराया था इसने पानीपत के युद्ध में। बाबर का काल बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए जाना जाता है। पहली बात कि भारत से बाहर से आके बाबर उस वक्त जीत पाया, सल्तनत काल में को ख़त्म कर पाया और अच्छा बड़ा राज्य स्थापित कर पाया, उसका एक प्रमुख कारण था बारूद। बारूद बाबर लेके आया था भारत में, और बारूद का कोई काट नहीं था जो भारत में एग्जिस्टिंग राजा थे उनके पास में। एक तरह से बहुत बड़ा वो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुआ था। बारूद ऐसी चीज़ है, कहीं पे भी आप उससे विस्फोट कर सकते हैं और तीर भाले और ये सब लेके लोग खड़े रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस समय युद्ध ऐसे ही होते थे, तलवार से, तीर से, भालों से। बारूद आ गई तो उसको एज मिला, छोटी सी सेना लेके आया था, लेकिन भारत में उसने बड़े बड़ी सेनाओं को हराया बारूद के बल पे। उसके आने के कारण कई सारे थे। भारत में ही कितने लोगों ने उसको आने के लिए उकसाया था, जैसे उसमें एक था दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी के ही दरबार का, तो और मेवाड़ के कुछ राजा, वो भी ये चाहते थे कि बाबर आए भारत में। कारण ये था कि दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करना चाहते थे सारे लोग, दुखी हो गए थे। अब ख़त्म करना चाहते थे, और उनका तर्क ये था कि कोई भी जो बाहर से आता है, वो आता है, लूटपाट करता है, फिर वो वापस चला जाता है, रुकता नहीं है। जैसे कि तैमूर लंग आया था, कुछ समय आया, बाहर चला गया। महमूद आया, महमूद गजनवी आया था, वो आया, चला गया। लोगों के मन में एक कॉमन कॉन्सेप्ट था कि आएगा और चला जाएगा, लेकिन बाबर रुक गया। ना सिर्फ रुका, उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। वह साम्राज्य भारत में 300 साल रहा, जिसमें 182 साल तक तो बड़े चरम स्थिति में वो रहा। उसको मुगल साम्राज्य का वैभव काल भी हम लोग बोलते हैं। बाद में तो मुगल साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गया था और केवल नाम का काल रह गया था। चला तो वैसे 1857 तक, आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह की मृत्यु मृत्यु तो डायरेक्ट नहीं हुई थी, अंग्रेजों ने 1857 के रिवॉल्ट में बंदी बना के अंधा करके भेज दिया था रंगून में, पर तब जाके ख़त्म हुआ। और मुगल काल तगड़ा था 1707 तक, जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये काल था। आइए देखते हैं कैसे था, क्या था। तो बाबर 1526 में आया, उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। 300 साल तक रहा, 182 साल तक अच्छे से रहा। बाबर फरगना का शासक था। फरगना आज की डेट में उज्बेकिस्तान में है, मध्य एशिया में एक देश है उज्बेकिस्तान, रूस से ही अलग हुआ है, और ये मध्य एशिया का बड़ा प्रमुख क्षेत्र था। वहाँ से अक्सर लोग आते रहते थे भारत में। तो बाबर आया था फरगना से, उसने आके अफगानिस्तान वाला क्षेत्र जीत लिया, उत्तर पश्चिमी भारत को भी जीत लिया। कुशल सैनिक था वो, सैन्य प्रणाली को अच्छे से करना जानता था। उसने एक श्रेणी प्रणाली चलाई सैन्य संगठन में, जिसने कि सेना को वो छोटे छोटे टुकड़ियों में बांट देता था, जिसमें सबसे छोटी टुकड़ी को श्रेणी बोलते थे। तो 50 सैनिक होते थे सबसे छोटी टुकड़ी में, तो इस तरीके से वो था। बाबर की लीनिएज जो है, उस वो कहाँ से, उसका वंश कहाँ से बनता है, ये देखना बहुत उचित है, क्योंकि बड़ा ही खतरनाक वंश था उसका। पिता की ओर से वो तैमूर का पांचवा वंशज था, और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो मतलब एक बहुत ही डेडली कॉम्बो। तैमूर और चंगेज ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा है, या उनकी मृत्यु के वो जिम्मेदार रहे हैं। तो उस बैकअप से, उस बैकग्राउंड से वो आया था। जब वो आया भारत में, तो जैसे मेवाड़ के राणा सांगा ने भी शुरू में सोचा था कि वो आया है, लूटपाट करके चला जाएगा, टिकेगा नहीं, पर वो टिक गया। टिक गया तो फिर राणा सांगा को खटका, राणा सांगा ने युद्ध छेड़ दिया उसके खिलाफ। तो राणा सांगा ने आसपास के राज्यों का एक संघ बनाया और युद्ध किया। खानवा के युद्ध से नाम बहुत नाम से जाना जाता है। तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था 1527 में। इसमें राणा सांगा को बाबर ने पराजित कर दिया, और पराजित करते ही अपनी नींव को बहुत मजबूत कर लिया भारत में। फिर 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को भी हरा दिया बाबर ने। 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानों को भी पराजित कर दिया। तो कुछ और अफगान थे भारत में, तो उनको भी उसने पराजित किया। पानीपत में मस्जिद भी बनवाई बाबर ने।
ज़्यादा दिन जी नहीं पाया, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। उसके पीछे भी कहानी है, हुमायूं बीमार हुआ था, उसने ऊपर वाले से उसको ठीक करके अपनी मृत्यु मांग ली थी, कुछ इस तरीके का कहानी है कुछ। तो ज़्यादा दिन नहीं रहा, 4 साल ही 5 साल रह पाया भारत में, 1526 से 1530। उसकी आत्मकथा है तुजू के बाबरी, उसी ने लिखी है तुर्की भाषा में, उसको फारसी में फिर अनुवाद करा दिया गया था, खान खाना ने उसका फारसी में अनुवाद किया था। तो ये बाबर का है, कार्यकाल लंबा नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पे बैठा। हुमायूं का शासनकाल संघर्षों से घिरा हुआ है पूरे टाइम, और कभी उठा कभी गिरा। हुमायूं का वो काल है जब मुगल साम्राज्य भारत में ख़त्म हो गया था और 15 साल तक लगभग ख़त्म ही रहा। 15 साल के बाद दोबारा से फिर मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से राजा में मुगल साम्राज्य ख़त्म हो गया था, फिर ख़त्म होकर फिर से आया, मतलब एक गैप है। ये जो 300 साल का पीरियड है, इस 300 साल के पीरियड में 15 साल का गैप है। तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर बैठा उस वक्त उसी का भाई कामरान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर उसका अधिकार था, अफगानिस्तान में काबुल और कंधार वाला जो क्षेत्र है, पर ये गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर बैठ गया तो, और उसके बाद में 1535-36 में गुजरात में उसने एक सफल अभियान किया। गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसको हरा दिया और पहला ऐसा शासक, मुस्लिम शासक बना जिसने कि गुजरात पे विजय प्राप्त की। तो ये उसकी उपलब्धि थी। परंतु 1539 में चौसा का युद्ध हुआ उसका शेरशाह सूरी से। शेरशाह भी एक अफगान था। और 1540 में भी शेरशाह से ही बिलग्राम का युद्ध हुआ, दोनों में शेरशाह ने उसको हरा दिया। शेरशाह को ही शेर खां भी बोलते हैं। और शेरशाह ने अब दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया, और जिसका भी अधिकार दिल्ली और आगरा पे हो जाता था उसको मानते थे कि उसका अधिकार हो गया भारत पे। तो शेरशाह ने अपनी एम्पायर वहाँ पे खड़ी की। शेरशाह का कार्यकाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने जीटी रोड बनवाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसको देखेंगे अभी हम लोग आगे। बाबर हार गया और भाग गया, भाग के गया सिंध। सिंध वो पाकिस्तान वाला एरिया, वहाँ पे अमरकोट और फिर फारस जो आपका ईरान वाला क्षेत्र है, वहाँ वहाँ इधर उधर भाग के निर्वासित जीवन वो जिया। बहुत टूट गया था, फिर धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई, फिर सैनिक जुटाए, उसको ईरान के शासक तहमस्प ने शरण दी थी और धीरे धीरे उसको मजबूत किया, काफ़ी समय तक रहा, फिर जाके वापस आया, फिर उसने अटैक किया। परंतु इस बीच में इतना पीरियड बीत चुका था कि शेरशाह सूरी की तो मृत्यु ही हो चुकी थी, जिसने कि हुमायूं को हराया था। तो भारत में उसके वंशज राज कर रहे थे, तो उसने उसके वंशजों को हराया और फिर से राज्य को वापस प्राप्त किया। तो उसने दो युद्ध किए, मच्छीवारा और सरहिंद का युद्ध 1555 में किया और विजय प्राप्त की, शेरशाह के वंशजों को भारत से भगा दिया, हरा दिया और फिर से साम्राज्य को स्थापित किया। लेकिन फिर एक बुरा क्षण आया उसके जीवन में, एक साल तक फिर अपने पुस्तकालय से नीचे उतर रहा था, तो उसके पुस्तकालय का नाम था शेर मंडल, तो उसकी सीढ़ियों से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। छोटा सा काल, फिर दोबारा वो जी पाया। हुमायूं का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अकबर हुआ। अकबर का काल बहुत लंबा चला, बहुत नामी चला और बहुत फैलाव हुआ इसमें। हुमायूं के मकबरे में चार बाग व्यवस्था का हम लोग प्रयोग सर्वप्रथम देखते हैं। देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार बाग व्यवस्था ये होती है कि जिसमें कि एक बड़ी बिल्डिंग को सेंटर में बनाया जाता है, एक बहुत बड़े चौकोर बाग के, मतलब गार्डन के, और इस तरीके से रोड उसको काटती हैं कि चार कोनों में चार बाग बन जाते हैं, उसको चार बाग व्यवस्था बोलते हैं। तो हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले हम उसका प्रयोग देखते हैं, फिर उसका प्रयोग तो फिर उसके बाद बहुत कॉमन हो गया, बहुत जगह होने लगा। हुमायूं नामा हुमायूं की बायोग्राफी है, जिसको कि लेखक उसकी बहन गुलबदन बेगम थी। अब इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसके बाद शेरशाह भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शेरशाह और हुमायूं एक दूसरे के पूरक हैं। शेरशाह की चर्चा किए बिना हम हुमायूं के कार्यकाल को डिस्कस नहीं कर सकते, तो अगली वीडियो में हम लोग शेरशाह की बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।